काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी का शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता है। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर जेल का नाम दिया था, जिसके पीछे की एक वजह काफी हैरान करने वाली है। सेलुलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। जेल की नींव सन 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। यह जेल समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जेल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके चार दीवारी एक छोटा सा बहुत छोटा कमरा है, जिसमें हमेशा अंधकार रहता है और कोई भी इस चार दीवारी को पार नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। इसमें कैदी एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहते हैं, जहां उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और शायद सूरज की एक छोटी सी रोशनी अंदर जाती है, जिससे कि कैदी सिर्फ सांस ले सके। इस जेल का नाम सेलुलर जेल पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहां हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उसके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि जेल में ना जाने कितनी भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजह से भी जेल में गए और कभी लौट के वापस नहीं आए, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी वजह से जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी कहा जाता है।